काम करेगा, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। आपको समझ आ रही है? तो सामर्थ आज सबके अंदर है। वो सामर्थ का नाम है, यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे उसका नाम है डुनामिस, डुनामिस द डायनामाइट ऑफ पावर, वो पावर जो परमेश्वर यूज करता है। तो प्रभु ने सबको आज पावर दिया हुआ है, सबको प्रभु ने एक बीज के समान सामर्थ दी हुई है, पर उस सामर्थ में बढ़ने का काम आज मेरा और आपका काम है। आपको समझ आ रही है? तो मसीहत में आप अभिषेक में नहीं बढ़ सकते हो, पर आप सामर्थ में बढ़ सकते हो। हालेलुया। तो आप विश्वास नहीं करते हो तो इफिसियों 3:16 में लिखा हुआ है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से, किसकी आत्मा से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलबंद होते जाओ। पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है टू बी स्ट्रेंथन विथ पावर थ्रू द स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सामर्थ को क्या करते जाओ, बलबंद करते जाओ, जो अपने पवित्र आत्मा पाने से अपने से वो सामर्थ को पाया था। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब हम सामर्थ में ग्रो कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है बी स्ट्रेंथन, टू बी स्ट्रेंथन थ्रू हिज स्पिरिट अन टू योर पावर। आपको समझ आ रही है? आप क्या करते जाओ, बलबंद होते जाओ, उस सामर्थ में ग्रो करते जाओ पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? जब पवित्र आत्मा में आप प्रार्थना करोगे, जब आप वचनों को पढ़ोगे, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करोगे, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर जो सामर्थ है उसको क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, बढ़ाएंगे, ग्रो करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब वो सामर्थ ग्रो करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसके बाद ये वचन पूरा होगा कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, अकॉर्डिंग टू जो आपके सामर्थ्य जो आपके अंदर काम करता है। तो हमें आज क्या करना है, हमें खाली सामर्थ्य में बढ़ना है, और उसे सामर्थ्य को परमेश्वर क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। बाइबल बोलती है थ्रू द स्पिरिट स्ट्रेंथन योर सेल्फ, आत्मा के द्वारा अपने आप को क्या करो, सामर्थ्य में बढ़ाओ। आपको समझ आ रही है? तो पवित्र आत्मा है जो आपको क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, आपको स्ट्रॉन्ग करता है, आपको बिल्ड करता है आत्मा में, आपकी सामर्थ्य को जो पावर है, डायनामाइट पावर बढ़ सकती है पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे? कितना आप उसको डायनामाइट पावर को क्या करते हो, अपने ऊपर एनर्जी करते हो, उसको बढ़ाते हो, उतना खुदावन आपके जीवनों में काम करते हैं। आपको समझ आ रही है? तो प्रेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुदा के साथ रिलेशनशिप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप जब आप खुदा के साथ बिल्ड करते हो तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर सामर्थ है उसको बढ़ाना शुरू करता है। जब पवित्र आत्मा उस सामर्थ को बढ़ाना शुरू करता है तो खुदाबन को ईजीली वो आपके जीवनों में काम कर सकते हैं, आपके सोच से, आपके मांगने से वो बढ़कर वो काम कर सकते हैं। मैं एक चीज़ को एक्सपोज करना चाहता हूँ, हमारे अंदर से सामर्थ निकलते हैं। आपको समझ आ रही है? जब आप सामर्थ्य को पा रहे हो तो वो सामर्थ्य निकलने के लिए आप पा रहे हो। बाइबल में जब यीशु मसीह चल रहे थे भीड़ में से, भीड़ उसको दबा रहे थे, तो 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह को क्या किया, टच किया, उसके हाम को, उसके वस्त्र को छुआ। और बाइबल बोलते सडनली यीशु ने महसूस किया मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली हुई है। इंग्लिश में लिखा हुआ है द पावर लीड मी, सामर्थ्य मेरे अंदर से निकली हुई है। ग्रीक में लिखा हुआ है, ग्रीक वर्ड में, कि सामर्थ मेरे अंदर से गेट आउट हो गई है, बाहर निकल गई है, किसी ने ले ली हुई है वो सामर्थ। आपको समझ आ रही है? और उसी सामर्थ ने उस लहू बहने वाली स्त्री को क्या किया, चंगा किया। तो जब आप खुदा के साथ रिलेशनशिप रखते हो आप क्या पाते हो, सामर्थ पाते हो, अपनी आत्मा में आप सामर्थ पाते हो। इसलिए पाते हो ताकि लोग ब्लेस्ड हो, लोग आशीषित हो। वो सामर्थ इसलिए नहीं दिया गया कि आप दिखा सको मैं कितना स्ट्रांग हूँ, इसलिए दिया गया आपके द्वारा, जो आपके अंदर सामर्थ काम करता है उसके द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करें। आपको समझ आ रही है? तो जब भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करने की चाहता है तो परमेश्वर हमेशा बोलता है तो मेरे साथ क्या कर, बैठ, मेरे साथ बैठ। क्योंकि जब प्रभु के साथ हम बैठेंगे हम नया बल पाते हैं, नया सामर्थ पाते हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ का होता जाता है, बढ़ता जाता है। जब वो सामर्थ बढ़ता जाता है उसी सामर्थ को लेकर हम लोगों के पास जाते हैं, और वही सामर्थ यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं और लोगों को चंगा करते हैं, लोगों को डिलीवर करते हैं, लोगों को आज़ाद करते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं विश्वास करता हूँ आप इज लीव्स, पावर आपको छोड़ सकती है, पावर आपको लीव कर सकती है। इट मीन्स अगेन वी फिल विद द पावर। तो हमें फिर से पवित्र आत्मा में भरना है ताकि हम फिर से उस पावर को क्या करें, रिसीव कर सकें। आपको समझ आ रही है? तो मैं विश्वास करता आप समझ रहे हो। यदि आप एलिया को देखोगे, एलिया ने 800 बाल के प्रॉफिट्स को मारा एक दिन में, बाल के देवताओं को मारा, बाल के प्रॉफिट्स को मारा, और एक दिन में उसी दिन उसने क्या किया, स्वर्ग से आग को बरसाया। उसके बाद ये न्यूज़ जेजिबेल के पास पहुँच जाता है और जेजिबेल बोलती है आज ही मैं तुझे क्या कर दूंगा, मार दूंगा। और एलिया क्या कर रहा है, भाग रहा है।
कभी आपने सोचा नहीं है ये बात, एलिया क्यों भाग रहा है? वही एलिया उसी दिन उसने क्या किया, 800-900 उस देवता के प्रॉफिट को मार दिया, ख़त्म कर दिया, उसने स्वर्ग से आग गिरा दिया। क्या उस लेडीज़ को एलिया नहीं मार सकता था? मार सकता था, पर उस समय उसके अंदर से जितने भी सामर्थ्य था जो उसने प्रार्थना में पाए थे उसने लगा दिया था, और उसको महसूस हो गया था अब मेरे जीवन में सामर्थ्य नहीं, अब मैं क्या हो गया हूँ, पावरलेस हो गया हूँ, अब मुझे क्या करना है, प्रार्थना करना है, फास्टिंग करना है, ताकि फिर से वो सामर्थ्य को ले सको और मैं क्या कर सकूँ, एजिबल को भी मार सको। आपको समझ आ रही है? इसलिए एलिया भागा क्योंकि उसके पास उसको महसूस हो रहा है स्पिरिट में, अब मैं क्या हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, जितने भी सामर्थ्य था मैंने ऊपर से आग गिराने में लगा दिए, सुरक से आग मैंने क्या कर दी, गिरा दिया, बाल के जितने भी नबी था मैंने उनको मार दिया, अब मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तो इसलिए एलिया भागा उससे। आपको समझ आ रही है? एक लड़की को मारने में एलिया को कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी, और उसके बाद क्या हुआ, जब वो फास्टिंग किया, बाइबल बोलती है जब वो जंगल में भाग रहा था तो स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उसको क्या दिया, खाना दिया, और वो बोलता है उठ के क्या कर, खा ले, और बाइबल बोलती है उसने खाया फिर से सो गया। दूसरी बार आया स्वर्गदूत, फिर से जाता है और उसको खाना देता है, और बाइबल बोलती है जब स्वर्गदूत का खाना एलिया ने खाया तो 40 दिन तक 40 रात तक वो निराहार रहा, बिना खाना के वो चलता रहा और प्रे करता रहा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? वो फिर से सामर्थ पाता रहा, और वो क्या हो गया, उसके बाद वो वर्ड देता है एजिबल को, एजिबल तेरे देह को कुत्ते खाने जा रहे हैं। आपको समझ आ रही है? उसके बाद क्या हुआ, एलिया का वर्ड पूरा हुआ। तो खुदा आपके लाइफ में तब काम करेगा जब आप खुदा के साथ बैठोगे और सामर्थ को पाओगे, बल को पाओगे, पावर को रिसीव करोगे, और उसी सामर्थ को उसी बल को खुदा क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा और आपके जीवनों में काम करना शुरू करेगा।